दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिमालयन आइबेक्स। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। दरअसल जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI के वैज्ञानिकों ने अपने एक अध्ययन में हिमालयन आइबेक्स को साइबेरियाई आइबेक्स से अलग प्रजाति बताया है। तो आइए जानते हैं इस अध्ययन से संबंधित मुख्य बातें। यह अध्ययन साइबेरियाई आइबेक्स के वितरण रेंज में उपलब्ध सभी अनुक्रमों के आनुवंशिक विश्लेषण पर आधारित है। इस अध्ययन के अनुसार साइबेरियाई आइबेक्स प्लीस्टोसीन युग जो 2.4 मिलियन वर्ष पहले था के दौरान ही अल्पाइन आइबेक्स से अलग हो गई थी। इसके अलावा अध्ययन में साइबेरियाई आइबेक्स को पॉलीटाइपिक स्पीशीज बताया गया है। पॉलीटाइपिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह प्रोजेक्ट नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज यानी NMHS द्वारा वित्त पोषित किया गया था। आपको बता दें कि NMHS का कार्यान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आइए अब जानते हैं साइबेरियाई आइबेक्स के बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम कापरा सिबिरिका है और यह जंगली बकरी की एक प्रजाति है। ये मंगोलिया, अल्ताई, हंगई, गोबी अल्ताई और हुरुक पर्वत श्रेणियों के साथ ही रूस के पास सायन पर्वत और ट्रांस अल्ताई गोबी के छोटे पहाड़ों में भी पाई जाती हैं। इसके अलावा एशियाई देशों में यह भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, दक्षिणी साइबेरिया और चीन जैसे देशों में 500 से 6700 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। IUCN द्वारा इसे नियर थ्रेटेंड की श्रेणी में रखा गया है। अब एक नजर हिमालयन आइबेक्स पर। पहले ये साइबेरियाई आइबेक्स यानी कापरा सिबिरिका की एक उपप्रजाति मानी जाती थी। हिमालयन आइबेक्स मुख्य रूप से लद्दाख, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की ट्रांस हिमालयन रेंज में पाई जाती है। आइए अब संक्षेप में जानते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI के बारे में। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ZSI प्राणी विज्ञान अनुसंधान में प्रमुख भारतीय संगठन के रूप में कार्य करता है। यह देश में जीवों के सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अध्ययन करता है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, साइबेरियाई आइबेक्स जंगली बकरी की एक प्रजाति है। कथन दो, हिमालयन आइबेक्स लद्दाख, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। कथन तीन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1920 को हुई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य है। ऑप्शन है ए, केवल एक और दो, बी, केवल दो और तीन, सी, केवल एक और तीन, या फिर डी, उपर्युक्त सभी। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। अगले प्रोग्राम में फिर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।